सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। मेला लाइट फोर क्रीम ये अपोल्ट फार्मास्यूटिकल LLP के द्वारा बनाई जाती है, प्रिस्क्राइब क्रीम है जो कि डॉक्टर रिकमेंडेड करने के बाद ही आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन 4% वेट बाय वेट डाला गया है जो कि एक कंपोजिशन है मेलालाइट फोर्ट क्रीम के लिए। तो ये मेलालाइट के नाम से आपको इसका यूज मिल गया होगा कि ये एक लाइटनिंग क्रीम है जो कि आपको फेयरनेस में हेल्प करेगी, मेलानिन सिंथेसिस को कम करेगी, जो मेलानिन आपके बॉडी के ऊपर फॉर्म हो रहा है तो उसको कम करेगी। तो ये क्रीम बहुत ही यूजफुल क्रीम है जो कि आपको गोरा करने में हेल्प करती हैं तथा आपके स्किन पे जो दाग रह जाते हैं, एक्ने स्कार या कोई मेलानिन रहता है या छाए वगैरह पड़ती है तो उसके केस में इसको दिया जाता है। तो आज हम पूरा बात करेंगे कि मेलालाइट क्रीम फोर्ट क्रीम जो कि हाइड्रोक्विनोन 4% डाला गया है तथा इसका MRP 136.74 रुपीस रहता है तथा ये एक छोटा सा क्रीम रहता है जो कि बहुत ही यूजफुल क्रीम है जो कि मेलालाइट क्रीम जो कि आपके स्किन के ऊपर से दाग हटाता है। तो इस क्रीम के बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। जो हमारे पास क्रीम है वो मेलालाइट फोर्ट क्रीम है जो कि अबोर्ट के द्वारा बनाई जाती है। ये आपको फेयरनेस में हेल्प करती है तथा ये ट्रीटमेंट करती है मेनली मेलाज्मा का। अगर आपकी स्किन पे मेलाज्मा है, मेलाज्मा कब होता है कि आपको प्रेगनेंसी के बाद आपके फेस पे मेलाज्मा आ जाता है जो कई साल तक चलता है, या आपके फेस पे कोई दाग है तो वो भी बहुत टाइम तक चलते हैं, या एक्ने का स्कार पे तो भी चलते हैं। तो उस केसेस में इस क्रीम को डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाता है। तो ये क्रीम मेलास्मा को कम करता है। जो मेलास्मा किस लिए होता है कि मेलानिन सिंथेसिस ज़्यादा फॉर्म होता है अपने बॉडी के अंदर तो उसके कारण होता है। तो मेलानिन सिंथेसिस किसके कारण होता है कि ये एक टायरोसिनेस एंजाइम होता है उसके कारण वो मेलानिन सिंथेसिस में फॉर्म होता है, उसके कारण आपके फेस पे बहुत सारा दाग हो जाते हैं। तो ये क्रीम क्या करती है कि इसके अंदर जो स्टेरॉइड डाला गया हाइड्रोक्विनोन 4% जो कि वेट बाय वेट है, जो कि वो क्या करता है कि इनहिबिट करता है टायरोसिनेज एंजाइम को, जिसके कारण मेलानिन फॉर्म नहीं होगा, और मेलानिन फॉर्म नहीं होगा तो आपके फेस पे दाग नहीं रहेंगे और मेलास्मा नहीं रहेगा। तो उस केस में तो ये डॉक्टर के द्वारा ही रिकमेंडेड किया जाता है। अगर आप इसे खुद से यूज़ कर रहे हैं तो कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि आप ज़्यादा यूज़ करोगे कि ये सोच के कि आप ज़्यादा फेयर हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। इस क्रीम को डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही यूज़ करने का, जितना डॉक्टर बोले उतना ही यूज़ करने का। अगर आप इसे ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपके फेस पे लाल लाल हो सकती है, आपकी स्किन एकदम सूखी सूखी हो सकती है, स्किन जलने जैसी हो सकती है तथा स्किन पीलिंग भी हो सकती है और खुजली भी आ सकती है उस स्किन पे। तो इसको डॉक्टर की सलाह से ही ले, और डॉक्टर जितना डोज बोले उतना ही इसको लगाने का, और उससे ज़्यादा भी नहीं और उसके कम भी नहीं। जब भी इसे यूज़ करें तो अपने फेस को वॉश कर दे ठंडे पानी से, और उसके बाद थोड़े से कपड़े से ड्राई कर दे, उसके बाद ही इसको यूज़ करें। तो मेलालाइट फोर्ट क्रीम जो कि एक स्किन लाइट मेडिसिन है जो कि क्या करता है कि रिड्यूस करता है पिगमेंट को, जो कि एक मेलानिन रहता है उसको कम करता है, और डार्क फेस पे ब्लैक होता है तो वो उसका कारण रहता है, उसको कम कर देता है तथा उसको क्या कर देता है टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है ताकि आपके मेलास्मा ज़्यादा नहीं हो, जो टायरोसिनेज एंजाइम रहता है उसको इनहिबिट कर देता है जिसके कारण मेलास्मा आपके फेस पे नहीं होता है। यह क्रीम डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाता है, सिंगल मॉलिक्यूल है तथा इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन डाला गया है तो जो कि एक स्टेरॉइड है, तो साइड इफेक्ट होने का भी चांसेस हो सकता है। तो आपको डॉक्टर की सलाह से लेने का और ज़्यादा यूज़ नहीं करने का, और जब भी आप इसे छोड़े तो सडनली इसको नहीं छोड़ने का, डॉक्टर को पूछ के छोड़ने का। अगर आप खुद से यूज़ कर रहे हो और आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो आप इसे छोड़ने से पहले आप विटामिन सी का वगैरह टैबलेट वगैरह बहुत ज़्यादा खाएं, और फ्रूट वगैरह ज़्यादा खाएं, जो हरी सब्जी जिसमें विटामिन रहता है तो वो खाएं ताकि आपको साइड इफेक्ट नहीं हो। और महीने में यूज़ करो रोज़ तो 15 दिन के लिए अल्टरनेट दे, एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसा करें, और फिर हफ्ते में 3 दिन, उसके बाद 2 दिन, उसके बाद वीकली एक बार, उसके बाद धीरे धीरे इसको छोड़े ताकि आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले। तो इस क्रीम के बारे में आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।